अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे बच्चों का फेवरेट ब्रेड सैंडविच रेसिपी, जो कि मिनटों में बनकर रेडी होता है। तो फिर चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड सैंडविच बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक शिमला मिर्च ले लिया था, जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। एक बड़े साइज का प्याज और एक बड़े साइज का टमाटर भी हमने लिया है। यहाँ पर हमने स्वीट कॉर्न लिया है, जिसे हमने बॉयल कर लिया है। यहाँ पर हम मायोनीज लेंगे। 2 क्यूब हमने बटर का लिया है और यहाँ पर हमने ब्रेड ले लिया है। तो फिर चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। जब आपको सैंडविच बनाना हो तो आप यही ब्रेड यूज करें, बहुत ही परफेक्ट बनता है इसमें, और इसकी कोरियाँ जो है कटी हुई आती हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा लेंगे चीज़, जिसे हम ग्रेट कर लिए हैं। तो चलिए हम सारी चीज़ों को हम साइड करते हैं और एक बाउल ले लेंगे। बाउल में सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च सभी चीज़ों को हम बाउल में ऐड कर देते हैं। जितनी क्वांटिटी में आपको बनाना हो आप वो उतना सब्जियाँ इसमें ऐड करें। आप इस तरह से सभी सब्जियाँ बारीक चॉप करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं। बच्चे काफ़ी शौक से खाना पसंद करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे, बारीक चॉप किया हुआ धनिया पत्ती डालेंगे। अब ढेर सारा हम इसमें डालेंगे मायोनीज। नमक डालते समय आप इस बात का खास ध्यान रखें कि मायोनीज में भी नमक होता है, तो आप नमक जो है बिल्कुल थोड़ा सा ही डालें। यहाँ पर हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 टीस्पून हमने और इसमें मायोनीज ऐड कर लिया है। यहाँ पर हम ब्रेड लेंगे। ब्रेड के ऊपर हम पहले बटर लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इसके ऊपर मिक्स की हुई सब्जियाँ रखेंगे। यहाँ पर स्टफिंग जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट हम सब्जियों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही यहाँ पर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। दूसरी ब्रेड की स्लाइसें लेंगे और हम इसे इस तरह से कवर करेंगे। यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है, पैन में हम बटर लगा देते हैं। अब हम इसमें सैंडविच रखेंगे। लो फ्लेम पर हम इसे कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि चीज़ जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और बहुत ही क्रीमी सा टेस्ट आए। यहाँ पर 2 मिनट हो चुका है, हम इसका साइड चेंज कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है एक साइड। 2 मिनट के लिए हमने दूसरी साइड भी इसे कवर कर दिया था। चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी की सैंडविच हम इसी तरह से बनाएंगे। चलिए अब हम यहाँ पर इसके पीसेस कट कर लेंगे और ये देखिए मसाला कितना परफेक्ट बना है। इसके पहले हमने एक सैंडविच की भी वीडियो अपलोड की हमारे चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। आई होप कि आज की छोटी सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो गाइस, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।